मुरली की तान, उठ जागरे इंसान, मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 29 जुलाई 2024। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा कहे कि स्वयं भगवान ज्ञान सागर आए हैं तुम्हें ज्ञान रत्न देने, मुरली सुनाने, तो बच्चों को एक भी दिन मुरली मिस नहीं करनी है। फिर साथ में कहा कि भल कोई भी काम काज हो, लेकिन पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना नहीं निकालना है। मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं। बाबा कहे अगर पढ़ाई मिस की तो पद भी मिस हो जाएगा। फिर बाबा ने नशे में रह सेवा करने के लिए कहा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे कहाँ बैठे हैं, स्पिरिचुअल गॉडफादरली यूनिवर्सिटी में, और आज विशेष नाम दिया त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी में, जहाँ बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही एक में मिलते हैं। फिर बहुत विशेष बात कही कि जिस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अच्छी पढ़ाई पढ़ाई जाती है, तो वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट दूसरों को कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में, इस स्कूल में पढ़ो, यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाई जाती है और कैरेक्टर भी सुधारते हैं। और साथ में कहा अपने दिल से पूछना है, जैसे बाबा समझाते हैं क्या हम ऐसे दूसरों को समझाते हैं, अपने मित्र, संबंधी, सखी, सखा आदि सबको समझाना है कि सुप्रीम बाप बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, जो आकर हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं, भगवान भगवती बनाते हैं। फिर बाबा ने ज्ञान और विज्ञान को स्पष्ट करते हुए कहा कि ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज, जो अभी तुम सुनते हो, धारण करते हो, विज्ञान माना शांति धाम, आवास से परे। ज्ञान स्थूल है, विज्ञान अर्थात याद सूक्ष्म है, इसमें आवास से परे शांति में जाना होता है, जिस शांति के लिए ही मनुष्यात्माएं अनेक जन्म भटकती आई है। फिर बाबा ने यथार्थ योग भट्टी का भावार्थ बताया कि शुरू शुरू में तुम 7 रोज की भट्टी में रहे, जो तुम कोई की शक्ल भी नहीं देखते थे, कोई से बात भी नहीं करते थे, बाहर भी नहीं निकलते थे, तपस्या के लिए सागर के कंठे पर जाकर बैठते थे याद में। फिर कहा कि यहाँ पढ़ाई कोई जास्ती है ही नहीं, सिर्फ अल्फ और बे को समझने की बुद्धि अच्छी चाहिए। अल्फ माना एक बाप, बे माना विश्व की बादशाही, यह फिर तुमको सबको समझाना है। फिर आज बाबा ने विशेष उन आत्माओं की सेवा करने के लिए कहा कि जो पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, रोज नहीं आते हैं, उनसे और अपने आप से पूछना है कि हम कितना समय बाबा को याद करते हैं, क्या स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, चलते फिरते, घूमते फिरते, क्या हम एक बाबा की याद में रहते हैं, औरों का कल्याण करते हैं। फिर साथ में बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि भल कपड़ा साफ करने का काम करते हो, बहुत लोग आते हैं, तो उनको भी समझाना है कि यह तो स्थूल कपड़े धुलाई होते हैं, भगवान स्वयं आकर आत्मा को साफ स्वच्छ करते हैं, याद करो तो गारंटी है आत्मा एकदम 100% पवित्र सोना बन जाएंगी। फिर बाबा ने कहा स्कूल, कॉलेज में, डॉक्टर आदि के सबके पास जाओ और बड़ों बड़ों को भी समझाओ कि स्वयं भगवान आए हैं सबके कैरेक्टर सुधारने। सबसे ऊंचा कैरेक्टर है पवित्र बनना, वाइसलेस बनना। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के इन अनमोल मधुर महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रत्न देने, मुरली सुनाने, इसलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं। आज मुरली से प्रश्न है, सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है जो तुम इस नॉलेज से धारण करते हो? उत्तर में बाबा ने कहा वॉइसलेस बनना, यह सबसे अच्छा कैरेक्टर है। तुम्हें नॉलेज मिलती है कि यह सारी दुनिया विशेष है, विकारी है, विशेष माना ही कैरेक्टरलेस। बाप आए हैं वॉइसलेस वर्ल्ड स्थापन करने, वॉइसलेस देवताएं कैरेक्टर वाले हैं, कैरेक्टर सुधरते हैं बाप की याद से। बाबा कहते हैं आसुरी कैरेक्टर से देवी कैरेक्टर बनते हैं बाबा की याद से। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, हमारा बाप सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु हैं, यह बात सबको सुनानी है, अल्फ और बे की पढ़ाई पढ़ानी है। दूसरा, ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है
और विज्ञान अर्थात आवास से परे शांति में जाना है। 7 रोज का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी रहते पढ़ाई करनी है। आज बाबा ने वरदान दिया, सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्नचित रहने वाले अभिमान मुक्त भव। सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्नचित रहने वाले अभिमान मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है। जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता है, लेकिन ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है, क्योंकि कच्चा फल खा लिया। कई बच्चे सोचते हैं कि सेवा के रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए, लेकिन यह मान नहीं अभिमान है। जहाँ अभिमान है वहाँ प्रसन्नता नहीं रह सकती, इसलिए अभिमान मुक्त बन सदा प्रसन्नता का अनुभव करो। आज बाबा ने प्रसन्नता का अनुभव करने के लिए कहा, अभिमान से मुक्त बनो, अर्थात सेवा में कहीं पर भी सूक्ष्म में भी नाम मान शान की इच्छा ना हो। अगर कहीं सूक्ष्म में भी रॉयल रूप में भी इच्छा है तो यह इच्छा कभी भी प्रसन्न रहने नहीं देंगी। आज का स्लोगन है, परमात्मा प्यार के सुखदायी झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। परमात्मा प्यार के सुखदायी झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज 29 जुलाई का अव्यक्त इशारा है। इशारे का लक्ष्य है, परोपकार की भावना से संपन्न बन, अब कार्यों पर भी उपकार करो। आज बाबा ने स्मृति दिलाई, वर्तमान समय अनेक आत्माओं में स्व उपकार करने की इच्छा है, लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है। ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप परोपकारी बच्चे निमित्त हो, तो उपकार सच्चे दिल से होता है। विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो स्व उपकारी के साथ परोपकारी बनो। बाबा कहते हैं, स्व उपकारी बनना चाहते हो तो बनो, लेकिन साथ में परोपकारी भी जरूर बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।